हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ई संजीवनी के बारे में देखने वाले हैं। ई संजीवनी नाम से ही आपको पता चल रहा है, पहले क्या होता था, एक संजीवनी नाम का सीरियल भी आता था। इट वाज रिलेटेड टू अ हॉस्पिटल, राइट। ऐसे यहाँ पर जो संजीवनी है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सर्विस को लाने के लिए इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लाया गया। अभी रिसेंटली ये इनिशिएटिव इसलिए न्यूज के अंदर है क्योंकि आयुष्मान भारत से इसको जोड़ दिया गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर इससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगस्त एक्सटेंशन ऑफर इस समय चल रहा है एंड अगर आप ये वाला ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो यूज करिएगा कोड AMSLIVE। इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा किसी भी कोर्स के अंदर, चाहे आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आरएम बैच के अंदर भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा एंड ये आज से स्टार्ट हो गया है। प्रतिज्ञा बैच 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए है, फ्री में टेस्ट हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 6th ऑफ अगस्त सुबह 11 बजे एंड एक घंटे का होगा। 45 questions आपको करने होंगे। मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपके सामने है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं बाई यूजिंग द सेम कोड AMSLIVE। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ई संजीवनी को समझते हैं कि ये है क्या। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इट इज अ क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेटेड टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर आई है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हर इंसान को, चाहे वो रूरल एरिया में हो, चाहे अर्बन इंडिया में हो, चाहे किसी भी विलेज से बिलोंग करता हो, चाहे शहर का हो, हर इंसान को मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इट इज अ टेलीमेडिसिन ऐप जो कि प्रोवाइड करता है, डॉक्टर टू डॉक्टर तो है ही, बट डॉक्टर टू पेशेंट टेलीकम्युनिकेशन को भी ये आगे लेकर आता है। एंड इट इज बीइंग डिजाइंड, डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय बेसिकली द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक जिसको कहते हैं। सीडैक क्या है इसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे, बट आपको यहाँ पर याद रखना है कि सीडैक हैव बेसिकली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड इट। अब इसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं जिसके बेसिस पर ई संजीवनी वर्क करेगा। सबसे पहला है ई संजीवनी ABHWC। अब ये क्या है, ये बेसिकली डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंड इट इज इंप्लीमेंटेड एट ऑल द हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स। तो HWC इज बेसिकली हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स अंडर द आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है, इन द कंट्री अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या करा जा रहा है, यहाँ पर डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म एक तरीके से प्रोवाइड करी जा रही है। इट ऑपरेट्स ऑन अ हब एंड स्पोक मॉडल जहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे एंड ये हर स्टेट लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे ये सेंटर्स टू हेल्प पीपल एंड विच इज कनेक्टेड विद अ हब जिसके अंदर बहुत सारे MBBS स्पेशलिटी हो गए, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होंगे एट द जोनल लेवल ऑल्सो। सो इट इज अ मैकेनिज्म वेयर स्टेट लेवल पर भी हम कवर कर रहे हैं, जोनल लेवल पर भी हम कवर कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू मेक अ हब ऑफ डॉक्टर्स, वो MBBS स्पेशलिटी हो चाहे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हो। अब ई संजीवनी OPD ये दूसरा इसका मॉड्यूल है एंड यहाँ पर पेशेंट टू डॉक्टर रिमोट कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी कि जो पेशेंट है वो भी डिजिटली डॉक्टर से कनेक्ट हो सके। एंड इट वाज रोल्ड आउट इन 2020 अमिड द फर्स्ट लॉकडाउन इम्पोज्ड टू फाइट द COVID-19 पैंडेमिक। तो COVID-19 पैंडेमिक में वैसी सिचुएशन वॉज वेरी हार्श फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, सो टू ईज आउट दैट सिचुएशन इट वॉज बेसिकली रोल्ड आउट 2020 के अंदर ये आ गया था। वाली जो ऊपर वाला है ये 2019 के अंदर आया था एंड व्हाइल द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स OPDs इन द कंट्री वर क्लोज, ठीक है, तब हमें ये देखने को मिला। अब इट एनेबल्स पीपल टू गेट आउट पेशेंट सर्विसेज इन द कन्फाइंस ऑफ देयर होम एंड दिस कैन डेफिनेटली बेनिफिट देम फॉर अ लॉन्गर रन। अब सीडैक की क्योंकि बात करी, सीडैक ने ही इसको डिजाइन किया, इसको डिप्लॉय किया, तो सीडैक क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या फिर एसोसिएटेड एरियाज की बात करें। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि नेशनल टेक्नोलॉजिकल हमारी जो केपेबिलिटी है उसको हम बढ़ाएं, हम और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली सशक्त हों, स्ट्रांग हों,
हो, नए नए इनोवेशंस को लेकर आए, मार्केट की नीड को समझते हुए हम न्यू न्यू इनोवेशंस को लेकर आए। दिस इज हाउ सी टैक वर्क्स। एंड देयर फोर यहाँ पर भी अगर हम ई संजीवनी की बात करें, इट इज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय दी सी टैक ओनली। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।